हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती स्पेशल अपडेट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर बातचीत करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। 6800 अभ्यर्थियों ने भरी हुकार है और नियुक्ति पत्र के लिए लगातार दबाव बना रही है और कहीं ना कहीं इसके समर्थन में मैं पूरी तरीके से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से यही बात सुझाई थी कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने रद्द किया हुआ है, खारिज किया हुआ है 6800 लिस्ट को, लेकिन जो ये 6800 लिस्ट बनाने वाला कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किस लिए बनाया गया है, इस सभी चीज़ों के लिए विभाग उत्तरदायित्व रखता है और सरकार उत्तरदायित्व रखती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है और आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से नियुक्ति पत्र की बात कही है, सीधे और साफ, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसलिए आपके चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हो, चाहे आपके डीसी या महानिदेशक आपके विजय किरण आनंद जी हो, या कोई और भी हो, चाहे आपके स्वयं मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो इस बात को समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि वैलिड प्रश्न है, नियुक्ति पत्र की ही बात है। हमको कोई कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाए और हमको शिक्षक पद पर जो 2-2.5 साल पहले आरूढ़ करना चाहिए था वो हमको आज आरूढ़ कर दिया जाए। बस बात तो साफ और सीधी है, डबल बेंच में भर्ती जाएंगे ये बात तय हो चुकी है, क्योंकि 6800 पद जो खारिज किया गया है। तो मैंने यही बोला है कि आप पैरेलली सारे काम करिए, आप कोर्ट कचहरी वाला जो काम है उसको भी पैरेलली फॉलो अप करिए, और जो आपके जनप्रतिनिधित्व रखते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके चाहे MP हों, MLA हों, MLC हों, या स्वयं मंत्री क्यों ना हो, केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, कोई भी हो, जितने भी मंत्री आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, आप उस तरीके से भी पैरेलल दोनों काम करते रहिए। 6800 लिस्ट को वैलिड कराने के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं और जैसा मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि विभाग और सरकार भी इन सभी चीज़ों को लेकर 6800 लिस्ट को वैलिड कराने के लिए सरकार भी डबल बेंच जाने की पूरी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ वैलिड है, जो चीज़ ट्रू है, उसको लेकर सरकार भी आगे बढ़ेगी और सरकार भी ये चीज़ सोच रही, क्योंकि छीछा लेदर, देखिए मैं शब्द साफ शब्दों में कहूँगा कि छीछा लेदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है 69,000 भर्ती को लेते हुए, मंत्रियों की किरकिरी हो चुकी है, बेसिक शिक्षा मंत्री इसके पहले सतीश चंद्र द्विवेदी जी रहे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई है और उनको फिर आपने देखा कि उनको हटाया गया, पदच्युत किया गया पद से, और फिर संदीप सिंह को नए बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में लिया गया। इसके बाद भी 6800 पदों का जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको फिर भी न्याय नहीं मिला, तो फिर ये सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी और नियुक्ति पत्र की मांग लगातार चल रही है। तो कहने के सरकार की किरकिरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस 69,000 भर्ती से रिलेटेड। तो मैं हमेशा से यही बात कहता आया हूँ, कई मित्र इस चीज़ को लेकर तकलीफ अनुभव करते हैं कि सर आप 6800 अभ्यर्थियों की बात नहीं करते हैं, 2-2.5 साल से वो बाहर हैं, वैलिड होने के बावजूद भी हैं, तो आप उनकी, मैं हमेशा से मित्रों, अगर आपने देखा होगा तो मैं लगातार सारी चीज़ें अपडेट रखता था और आप लोगों को अपडेट देता था। बीते साल भर में 6800 पर कई एक दफ़ा मैं बात यही बात बोलता आया हूँ कि चुनावी वर्ष है इस समय प्रेजेंट टाइम में, अगला वर्ष जो चुनावी वर्ष है केंद्रीय, तो आपको ये सबसे बड़ा मौका है। और बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर राजनीतिक रूप में देखेंगे तो बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी स्टेट में भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, और 6800 छोटी मोटे अभ्यर्थी नहीं है, 1, 2, 10, 5 नहीं है, 6800 यानी टोटल 7,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप नियुक्त होने के बाद 2-2.5 साल की सर्विस करने के बाद भी मानसिक प्रताड़ित ना हों, चाहे आप फर्स्ट लिस्ट के हों, सेकेंड लिस्ट के हों अथवा थर्ड लिस्ट के हों। कई मित्र मैंने कमेंट देखे हैं पिछले वीडियोज़ में कि सर हम थर्ड लिस्ट के हैं तो क्या हम बाहर हो जाएंगे। देखिए मित्र, आप 69,000 भर्ती के ही तो हिस्से हैं ना, आप किसी भी लिस्ट के हों आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। कई बहनें हैं, कई मित्र हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इतने पॉइंट पे है या इतनी मेरिट है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आपने 69,000 भर्ती में सरकार ने आपके लिए हमेशा पक्ष रखा है ना, तो आप विभाग में हैं तो आपकी समस्त उत्तरदायित्व, समस्त जिम्मेदारी
विभाग की और सरकार की है, है ना। तो परेशान नहीं होना है। फिर से मैं 6800 मित्रों के लिए कहूँगा कि आप पैरेलली दोनों काम करें। नियुक्ति पत्र की जो वैलिड मांग है उसको भी आप जारी रखिए। हम सभी आपके साथ हैं, राय एजुकेशन चैनल, और मैं व्यक्तिगत रूप में इसका पूरा समर्थन करता हूँ। दूसरा कि पैरेलली डीबी का भी जो कार्य है, और जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार भी डीबी में भी जाना है सरकार को, और 6800 जो लिस्ट है उसको वैलिड कराने के लिए सरकार जाएगी ही जाएगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी शिक्षक साथी हैं 69000 भर्ती से रिलेटेड, जो दो ढाई साल, या मैं दो ढाई साल अमूमन बोलता हूँ, तो थर्ड लिस्ट वाले मित्र ये समझते हैं कि सर अभी तो हमारा 1 साल 8 महीना है, जो भी हुआ है, तो आपका भी बारे में बात कर रहा हूँ, पूरे 69000 भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारा जो भी कार्य हुआ है वो विभाग करेगा, सरकार करेगी, और ना आपको परेशान होने की आवश्यकता है, ना 6800 मित्रों को परेशान होने की आवश्यकता है। फिर भी आपके जो भी व्यक्तिगत प्रश्न आप जरूर कमेंट करिएगा। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और पॉजिटिव मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।